नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज आपके अपने गार्डन में से एक बहुत ही मेडिसिन वैल्यू वाला प्लांट लेके आई हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, यह मेरा गिलो का प्लांट है और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट 10 रुपीज़ के स्टैम कटिंग से लगा हुआ प्लांट था जो मैंने लिया था, पिछले साल लिया था। और अब इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वैसे भी गार्डनिंग में हमें, आप सोचेंगे कि हमेशा हम प्लांट्स लगाने की बात करते हैं, लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि आज प्लांट्स को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तोड़ के वेस्ट की जा रही है, इसका भी हम यूज़ करेंगे अच्छे से। तो जितनी भी इसकी गिलो की जो डंडियां हैं वो कट करके मैं रख लूँगी, और आगे आने वाले सीज़न में अगर सर्दी खांसी बुखार होता है तो गिलो का काढ़ा काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए। और दूसरा इसका बहुत ही बेस्ट जो यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें गार्डनिंग में नए नए पॉट लगाने होते हैं और हमें ड्राई लीव्स की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर हम फूलों वाले प्लांट्स लगाते हैं और उसमें कोई इतनी पत्तियाँ वगैरह निकल के नहीं आती हैं। लेकिन गिलो एक ऐसा प्लांट है, आप इसको जितना मर्जी कट कर लो, इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि कुछ ही दिन में दोबारा से नई नई स्टेम निकल आती हैं। और वैसे भी अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो ये इतनी फैल जाएगी कि दूसरे प्लांट्स को बढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा आज इसकी कुछ ट्रेनिंग कर ली जाए और साथ ही साथ ये लीव्स को ड्राई करके अच्छी सी हमारी जो पत्तियों की खाद होती है वो भी मेरी तैयार हो जाएगी। और ये वैसे भी इतना हार्डी कह सकते हैं, अगर आप एक बार इसको लगा लेते हैं तो आप इसको काट काट के थक जाएंगे, लेकिन ये प्लांट ख़त्म नहीं होगा। और आने वाली सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में वैसे भी इसकी पत्तियाँ सब झड़ जाने वाली हैं, तो क्यों ना आज इसका अच्छे से यूज़ किया जाए। तो कुछ इसकी जो लीव्स हैं वो मैंने कट करके और पत्तियों की खाद बनाने के लिए रख लिया है, और जितनी भी इसकी जो स्टेम निकलेगी उन्हें मैं सेव करके रख लूँगी। बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है। अगर आप एक प्लांट लगाते हैं और इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि 2-3 मंजिल को ये लगभग 2-3 महीने में ही कवर कर सकता है। मैं तो वैसे इसको कट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसकी मतलब इसको फैलाने की इतनी मेरे पास जगह नहीं है, बस मैं इसकी जो पत्तियों को ज़्यादातर खाद बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये प्लांट खाना। तो दोस्तों बस इतना ही मेरी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।